फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक शानदार जानदार वीडियो, और ये वीडियो आपकी दीपावली को चार चांद लगा देगी। इसको बनाना काफ़ी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई पैसे वेस्ट नहीं करना। आपके घर में जो जैम की बोतल खाली पड़ी रहती है उनका हम रीयूज करने वाले हैं। जैम की बोतल का एक वीडियो मैंने पहले भी डाला हुआ है, जिसमें मैंने जूट से उसको बना के डेकोरेट करके मनी प्लांट के लिए बनाया था। उसका भी मैं साइड में आपको फोटो दिखाऊंगी, आप उसको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये जो वीडियो है ये सिर्फ आज दीपावली की लाइटिंग के लिए ही है। आप कैसे इनकी लाइटिंग कर सकते हैं, कैसे इनको कलर कर सकते हैं, और ये जो कलर किया है मैंने ये बिल्कुल भी बाहर की साइड में नहीं किया। इसको इतना इजी है, जिसको नहीं आता वो भी आसानी से कर सकता है। तो आप इसको मेरे ऊपर देख पा रहे होंगे, ये देखिए लगने के बाद में ये कितनी सुंदर लग रही है। अभी मैं जब लाइट ऑफ करूंगी लास्ट में तो आप देख पाएंगे इसको कि कितना अच्छा लग रहा है। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे बना।
देखा आपने कितना आसान है इसको बनाना और कितना आसानी से ये बन गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दीवार काफ़ी दिन से मुझे खाली खाली लग रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे, मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो इसी को ध्यान में रखकर मैंने ये बनाया है। तो ऊपर जो है ये कोटेशन, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। और ये वाला तो अमेजिंग, माई गॉड, आई कॉन्ट बिलीव दिस, इतना सुंदर हमने खुद घर में बना लिया, और वो भी आपकी जैन की बोटल्स का रीयूज करके। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। एक बार आपको कोई झंझट नहीं, कोई पेंटिंग का झंझट नहीं, कोई कलरिंग का, सिर्फ इसके अंदर कलर डाला और आसानी से ये तैयार हो गया। नीचे आपने भी ये वाला ना करना चाहो तो मैं आपको एक आइडिया और दे देती हूँ। यदि आपके पास ये वुडन की ऐसे टाइप की फ्रेम ना हो तो आप इनको एक ही धागे में, एक यहाँ फिर थोड़ा सा एक धागा ऊपर, और इसको इसके ऊपर करके ऐसे हैंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं। और ऊपर वाली जो कोटेशन है उसके साथ तो इसका कॉम्बिनेशन और भी प्यारा लग रहा है। तो जो लैंप है ये मैंने आइसक्रीम स्टिक से बनाया था, ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कर्टेन आज मैंने निकाले हुए हैं, आज वॉश कर दिया था तो कर्टेन के बिना भी थोड़ा सा रूम खाली खाली जैसा लगता है। वो जो साइड में आप देख पा रहे हो वॉल हैंगिंग वुडन की है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, ये भी काफ़ी अमेजिंग लग रही है। ये गैलरी है, ये फर्स्ट रूम है इसका, मैं कभी आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो ये वाली जो मैंने है गैलरी में लगाई है, और अभी भी आप देख सकते हैं मैं लगी हुई हूँ, वो सामने सारा सामान बिखरा पड़ा है, तो उसको भी मैं अभी मेंटेन कर रही हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।